मेरा वीडियो देखने वालों को दिल से सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी बुद्धिस्ट में। मित्रों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन, लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था। और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे, लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप 3 को एक घने जंगल में जाना होगा और आप 3 को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन 3 को एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम 3 को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजा फल से इस ठेले को पूरा भरकर लाना है, और तुम 3 के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह 3 मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह 3 मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताजा फल से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब, तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने ठेले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह 3 मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह 3 मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन 3 मंत्रियों के ठेलों को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन 3 मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन 3 को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, और यह 3 भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन 3 ने जंगल से अपने ठेले में भरकर लाए हैं। और उन 3 मंत्री को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताजा अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए
वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज वही के वही है। और जिसने मेहनत को अपनाया था, वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने परिवार, दोस्तों या आपने करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।